एक दिन रुक्मिणी जी ने भोजन के बाद श्री कृष्ण को पीने के लिए दूध दिया। दूध ज़्यादा गर्म होने के कारण श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला, हे राधे। यह सुनते ही रुक्मिणी बोली, हे प्रभु, ऐसा क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनका ही नाम होता है? मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ, फिर भी आप हमें नहीं पुकारते। श्री कृष्ण ने कहा, देवी, आप कभी राधा से मिली हैं? और मंद मंद मुस्कुराने लगे। अगले दिन रुक्मिणी राधा जी से मिलने उनके महल में पहुंची। राधा जी के कक्ष के बाहर अत्यंत खूबसूरत स्त्री को देख उनके मुख पर तेज होने के कारण उसने सोचा कि यही राधा जी है और उनके चरण छूने लगे। तभी उदासी बोली, आप कौन है? रुक्मिणी जी ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। तब वो बोली, मैं नहीं दासी हूँ राधा जी। रुक्मिणी ने सातों द्वार पार किए और हर द्वार पर एक से एक सुंदर और तेजस्वान दासी को देख सोच रही थी कि अगर उनकी दासियाँ इतनी रूपवान है तो राधा जी स्वयं कैसी होंगी। यह सोचते हुए राजा राधा जी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में राधा जी को देख अत्यंत रूपवान तेजस्वी, जिसका मुख सूर्य से भी तेज चमक रहा था, रुक्मिणी सहसा उनके चरणों में गिर पड़ी। पर ये क्या, राधा जी के पूरे शरीर पर तो छाले पड़े हुए थे। रुक्मिणी ने पूछा, देवी, आपके शरीर पे ये छाले कैसे? तब राधा जी ने कहा, देवी, कल आपने कृष्ण को जो गर्म दूध दिया वो ज़्यादा गर्म था, जिससे उनके हृदय पर छाले पड़ गए। उनके हृदय में तो सदैव मेरा ही वास होता, इसीलिए कहा जाता है, बसना हो तो किसी के हृदय में बसो, दिमाग में तो वो लोग खुद ही बसा लेते हैं। जय श्री राधे राधे।